हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे क्लास 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज। फर्स्ट चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे आज हम। क्वेश्चन 11 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, फाइंड सेट ए बी एंड सी। हमें सेट ए बी एंड सी फाइंड करना है सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5। हमें ये बोल रखा है हमें सेट ए बी और सी फाइंड करना है, जबकि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मीन्स उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, एम्प्टी सेट नहीं है, खाली सेट नहीं है। एंड और जब हम उन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5। 5 मीन्स कोई खाली सेट की उन तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखते हैं, हमने ऐसे कोई भी तीन सेट लिए, लेट ए इज इक्वल, ए हमारे पास सेट है एक्स वाई, बी हमारे पास कोई सेट है एक्स एंड जेड, सी हमारे पास कोई सेट है वाई और जेड के लिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, एक्स, नॉट इक्वल टू 5। ये 5 के इक्वल नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक्स एलिमेंट है। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी, दोनों के अंदर क्या आएगा, जेड आएगा, नॉट इक्वल टू 5। ये भी 5 के इक्वल नहीं है। थर्ड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन में क्या आया, वाई आ गया हमारे पास, नॉट इक्वल टू 5। ये भी 5 के इक्वल नहीं है। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या तीनों के अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन है? यहाँ इन दोनों से अगर देखते हैं एक्स कॉमन है बट एक्स इसमें नहीं है, ठीक है, और इन दोनों से देखते हैं जेड कॉमन है लेकिन जेड इसमें नहीं है। तो इन तीनों का जब हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, किसी स्कूल के 600 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 150 स्टूडेंट्स क्या लेते हैं टी, एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, और 225 स्टूडेंट्स कॉफ़ी लेते हैं। 100 वर टॉकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, और 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं, दोनों लेते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टॉकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, हमें उन स्टूडेंट्स का बताना है जो ना कॉफ़ी पसंद करते हैं या ना टी पसंद करते, जिसको इन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 600। नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ टी हमारे पास कितना दे रखा है, 150 स्टूडेंट्स दे रखा है ना। एंड नंबर ऑफ सी आपके पास दे रखा है 225 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, दोनों को कितने बच्चे पसंद करते हैं, 100। अब हम यूनियन निकाल लेंगे कि दोनों कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में से कम एक जरूर लेते हैं। नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ टी 150 दे रखा है, नंबर ऑफ सी 225 माइनस 100, दोनों को प्लस कर देंगे, माइनस 100 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 275। अब हमारे पास 275 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम एक ड्रिंक जरूर से भी जरूर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, दोनों में से कम एक ड्रिंक लेते हैं। हमें फाइंड करना है कि जो दोनों में से कोई भी ड्रिंक नहीं लेता, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 600 में से हम माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग नाइदर टी नोर कॉफ़ी, 600 माइनस 275 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 325 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना कॉफ़ी पसंद करते ना चाय पसंद करते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप के अंदर 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 100 स्टूडेंट्स को हिंदी जानते हैं, 50 नो इंग्लिश, 50 इंग्लिश को जानते हैं, एंड 25 नो बोथ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, और 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हिंदी भी आती है एंड इंग्लिश भी आती है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर द ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर ऐसे कितने बंदे हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हर एक को कोई ना कोई जरूर आती है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर ऐसे कितने बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं। ये निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, यूनियन निकाल देंगे। अब देखते हैं, लेट एच एंड ई डिनोट्स द स्टूडेंट्स
हु नो हिंदी एंड इंग्लिश। एच हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स को नोट कर रखा है जो हिंदी जानते हैं, एंड ई हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं। नंबर ऑफ एच हिंदी जानने वाले स्टूडेंट्स 100 हैं, नंबर ऑफ इंग्लिश जानने वाले 15, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई ऐसे स्टूडेंट्स 25 हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स को पसंद करते हैं, दोनों को जानते हैं, समझ सकते हैं। नंबर ऑफ एच यूनियन ई, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। नंबर ऑफ एच हमारे पास कितना है 100, नंबर ऑफ 50 माइनस 25, 100 प्लस 50 150 माइनस 25 125। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 125, देर आर 125 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप हु नो एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। ऐसे हमारे पास 125 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में से कम एक लैंग्वेज जरूर जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल का कोई सर्वे किया गया। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। उनमें से 60 पीपल का हमने सर्वे किया, टोटल हमारे पास 60 पीपल हैं, उनमें से हमने सर्वे किया तो हमें पाया कि 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। 25 ऐसे पीपल हैं जो न्यूज़पेपर एच रीड करते हैं, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, और 26 ऐसे हैं जो टी न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, और 26 ही ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर आई को रीड करते हैं, 9 रीड बोथ एच एंड आई, और 9 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो एच एंड आई, सॉरी 9 पीपल हमारे पास ऐसे हैं जो एच एंड आई दोनों न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, 11 बोथ एच एंड टी, और 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एच और टी को रीड करते हैं, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 8 ऐसे हैं जो टी और आई को रीड करते हैं, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, और 3 हमारे पास ऐसे पीपल हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एच टी एंड आई। फाइंड, हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। हमें नंबर ऑफ पीपल फाइंड करना है हु रीड, जो कि कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ता है। अब देखते हैं नंबर ऑफ एच हमारे पास कितना है 25, नंबर ऑफ टी हमारे पास 26, नंबर ऑफ आई 26, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई जो दोनों पढ़ते हैं, जिसे हमारे पास ये दे रखा है ना, यहाँ दे रखा है 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच और आई को पढ़ने वाले कितने हैं 9, एच और टी को पढ़ने वाले 11 है, टी एंड आई को पढ़ने वाले 8 है, और ऐसे 3 बंदे हैं जो हमारे पास तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, वो पर्सन फाइंड करने हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यूनियन निकालना पड़ेगा। जब हमारे पास दो सेट्स होते थे तो हम दो का यूनियन निकालते थे, अब तीन सेट है तो हम तीन का यूनियन निकाल लेंगे, सेम वही मेथड रहेगा, जो दो का था वही तीन का है। नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई, इसके लिए पहले हम दो को प्लस करते थे, इंटरसेक्शन को माइनस करते थे, अब तीनों को प्लस कर देंगे और जो उनका इंटरसेक्शन आएगा वो माइनस कर देंगे, जो सबके इंटरसेक्शन में है उसको प्लस कर लेंगे। नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये हमें सभी दिए हुए हैं 25, 26, इनको प्लस माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 52 हमारे पास ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, द नंबर ऑफ पीपल हु कैन हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। हमें क्या बताना है, हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर की, हु रीड एग्जैक्टली मीन्स उसके अलावा कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले ओनली एच के लिए निकालेंगे, ओनली आई के लिए निकालेंगे, ओनली टी के लिए निकालेंगे, और तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएंगे जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ओनली एच निकालने के लिए क्या करेंगे हम,
नंबर ऑफ एच, जो हमारे पास टोटल नंबर एच है वो ले लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे कि एच किस किस के साथ इंटरसेक्शन है, कि इंटरसेक्शन मीन्स कि जो एच पढ़ता है वो तो 25 है, उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो एच भी पढ़ते हैं और टी भी पढ़ते हैं उनको भी माइनस कर दिया, कुछ ऐसे हैं जो एच भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं उनको भी माइनस कर दिया, प्लस से अब हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो एच टी और आई तीनों को पढ़ते हैं उनको प्लस कर दिया, हमने बताया था इंटरसेक्शन वाले को हम प्लस करते हैं, 25 माइनस 11 माइनस 9 प्लस 3, तीनों को हमने प्लस कर दिया, क्या आ जाएगा 23, 5 और 3 28, माइनस 20 कितना आ जाएगा ओनली 8, ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एच को रीड करते हैं। नेक्स्ट है ओनली आई, ओनली आई के लिए भी वही होगा, नंबर ऑफ आई टोटल आई के कितने हैं, उसमें से आई किस किस के साथ इंटरसेक्शन है, आई एच के साथ है 8 और आई टी के साथ कितने हैं 9, और प्लस कर देंगे जो तीनों का इंटरसेक्शन है इसमें से करेंगे कितना आएगा 12। इसी तरह ओनली टी के लिए भी फाइंड करेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पर्सन वो पर्सन से नंबर ऑफ उन आदमियों की संख्या बतानी है हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो ओनली सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ओनली एच प्लस ओनली टी प्लस ओनली आई, 8 प्लस 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या दे रखा है, इन ए सर्वे, एक सर्वे किया गया, इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 21 ऐसे आदमी हैं जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26 ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं, एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, और 29 ऐसे हैं जो प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं, इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 14 पीपल ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए और बी को लाइक करते हैं, 12 ऐसे हैं जो सी और ए को लाइक करते हैं, एंड 14 ऐसे हैं जो बी और सी को लाइक करते हैं, एंड 8 लाइक ऑल थ्री प्रोडक्ट्स, और 8 ऐसे हैं जो तीनों को लाइक करते हैं, फाइंड हाउ मैनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, किसके लिए निकालना है सी ओनली के लिए, एक तो हमारे पास यही था जैसे ओनली टी ओनली ऐसे निकाल लेंगे, एक तो हमारे पास ये मेथड है, दूसरा अगर हम इसको वेन डायग्राम से निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखो लेट ए बी एंड सी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी, नंबर ऑफ ए 21, नंबर ऑफ बी 26, नंबर ऑफ सी 29, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 14, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए 12, एंड नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 14, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8, इनको हम इसी के अकॉर्डिंग नोट करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे हम बाई वेन डायग्राम। अब जो हमारे पास ए है, ए के अंदर टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 21 है, नंबर ऑफ ए हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ ए हमारे पास है 21 एलिमेंट, नंबर ऑफ बी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 26 एलिमेंट्स हैं, एंड नंबर ऑफ सी हमारे पास एलिमेंट्स हैं 29। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ये है हमारे पास। अब देखो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 21, ए के अंदर हमें कितने एलिमेंट्स लेने हैं 21, अब ये हमारा ए सेट है, इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ए के अंदर देखो 3 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे, 4 और 3 7, और 8 7 और 8 हमारे पास कितना आ जाएगा 15, 15 प्लस 6 21, आ गए ना ए के अंदर 21 एलिमेंट्स, इसी तरह बी के 26 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 6 6 6 कितना आ जाएगा 18 प्लस 8 26, और थर्ड है हमारे पास सी, सी के भी हमारे पास 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 11 कितना आ जाएगा 29 एलिमेंट्स। फिर हमें इसको कैसे लिखना है ये देखना है हमें, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमें ए और बी, ए और बी में जो कॉमन पार्ट है उसमें हमें क्या लिखना है, कितने एलिमेंट्स लिखने हैं 14, ए और बी के अगर हम इंटरसेक्शन में देखते हैं तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं टोटल 14, 14 एलिमेंट्स हमने 6 यहाँ लिख दिए 8 यहाँ लिख दिए, क्यों लिख दिए हमने 8, सबसे पहले हमने ये उठाया कि तीनों में कॉमन कितना है, तीनों में कॉमन हमारे पास ये पार्ट है बेटा, तीनों में कॉमन है जो
और वो कितने हैं, 8 हमारे पास। इस 8 को नोट कर लिया, उसके बाद हमने देखा कि ए और बी के अंदर कितने हैं हमारे पास, 14, तो 8 तो यहाँ हो चुके हैं, अब कितने बच गए, 6, तो ये 6 भी यहाँ लिख देंगे हमने ए और बी दोनों के अंदर जो कॉमन है। उसी तरह सी और ए के अंदर कॉमन कितने हैं, 12, अब 12 में से 8 तो यहाँ आ चुके हैं, कितने बचे हुए हैं, 4, 4 को भी नोट कर दिया हमने, बी एंड सी 14 है, 8 हमारे आ चुके हैं और 6 हमने नोट कर दिए। इसके अलावा अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स बचे हैं, ये एलिमेंट्स टोटल करने के लिए हमने लिख दिए, कैसे, 6, 8, 4, 12, ये हमारे पास आ चुके हैं। अब हम देखते हैं ए के अंदर 21 एलिमेंट्स हैं, 21 एलिमेंट अगर हमें ए के अंदर करने हैं तो हमारे पास कितने आ गए, 6 भी ए के अंदर है, 8 और 4, तीनों को प्लस कर लिया, क्या आ जाएगा, 6 और 4, 10 और 18, 21 करने हैं तो यहाँ कितने बच गए, 3 एलिमेंट्स, इसी तरह यहाँ कितने बच गए, 6, और यहाँ कितने बचे, 11 एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली इज, ऐसे जो ओनली सी को लाइक करते हैं, ओनली सी को हमारे पास कितने लाइक करते हैं, ओनली 11, 11 ऐसे जो सिर्फ सी को लाइक करते हैं, तो इसके लिए हमने टोटल में से माइनस कर दिया, 29 टोटल थे हमारे पास, माइनस कर दिया 4, 8 और 6, तीनों को माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 11। ओके, हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है एंड फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।